फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मेंडल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल में, आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट मेंडल लाइव। तो चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। लाइफ स्टाइल ब्लॉग है, इसमें तो कुछ कंफर्म है नहीं कि क्या होगा क्या नहीं, पर भी ब्लॉग जो भी होगा तगड़ा और कमाल का होगा, ब्लॉग देखिएगा लास्ट तक। तो यहाँ से चलते हैं। अभी तो फिलहाल पहले चलना हमको पालिका विनायक हॉस्पिटल, वहाँ चलना है। कुछ काम है जो करेंगे सो आपको दिखाएंगे ही ब्लॉग में। तो यहाँ से निकलेंगे, पालिका विनायक चलेंगे और उसके बाद से कहाँ कहाँ जाते हैं तो देखिएगा ब्लॉग। ब्लॉग काफी कमाल का और काफी अच्छा बनेगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद पटना के सड़कों पर जा रहे हैं और जानते हैं कि पटना प्यारे है हमारा। सही बात है भाई, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत लंबे टाइम बाद पटना को भी प्रमोट भी करेंगे, बहुत ज्यादा दिन हो गया लाइफ स्टाइल। इसके पहले दिए थे तो फोन वाला दिए और उससे पहले तो ट्रेवलिंग वाला दिए। यहाँ से निकलते हैं, निकल कर आपको मिलते हैं बाहर ही। अभी रूम से बाहर आ गए, अब यहाँ से चलते हैं पालिका विनायक हॉस्पिटल। इसलिए एक चीज़ दिखाने के लिए हम आपको दिखाए कि पटना में अभी कुछ देर रहिए। आप ये हमारे पीछे देख रहे हैं, ये पार्क है, ठीक है। हम 4 साल से पटना में, हमको भी नहीं पता था, हो सकता है कि जो इधर रहते हो राजेंद्र नगर साइड उनको पता हो, पर अभी बंद है। सुबह में शायद कहीं खुलता होगा, वैसे तो 6 से 11 में रूल है। देखिए हमारे पीछे ये पार्क है, इसका नाम बताते हैं कांग्रेस मैदान पार्क फेज 2 वार्ड संख्या। ये सब देख रहे हैं पीछे, किस किस को पता था इस पार्क के बारे में जरा कमेंट करके हमको बताना। और ये है आपका राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 में। तो ये सुबह में कहीं ओपन होता होगा तो हमको पता नहीं था, तो आज आए तो आज देखें तो सोचे कि बताना चाहिए कि हाँ कि ये इधर भी है। तो ये होगा जो कॉलोनी के लिए, जो लोग अब ये तो इको पार्क का चिड़िया का टहलने तो जाएंगे नहीं ना, तो ये लोग जाते होंगे सुबह में। अगर मॉर्निंग में देखेंगे, मॉर्निंग में अगर खुला रहेगा तो मॉर्निंग में आएंगे, हम भी आकर आपको दिखाएंगे। ये जो रोड देखे, ये वो रोड है जो दिनकर गोलंबर से ये राजेंद्र नगर तक जाएगी। तो आज मतलब हट गए, ये उधर से नहीं जा रहा है गाड़ी में जाना और स्टेशन होकर, अब यहाँ से जाएंगे आगे कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और कोल्ड ड्रिंक पीकर उसके बाद से वहाँ से ऑटो से चले जाएंगे राजेंद्र नगर। तो वो सोचे को भी बता दे, तो ये वो वाला रोड है। अभी रोड काफी खाली है और दिखाने का मेन पर्पस ये यही था कि रोड पे इतना ज्यादा क्राउड होता था शाम के 4 बजे, पर अभी का बात करें 5 बजने वाला है तो कोई खास क्राउड नहीं है। ये राजेंद्र नगर टर्मिनल है, ये भी रेलवे स्टेशन है, अब ये पटना से उनको बता रहे हैं। कुछ लोग सारे लोग सब कुछ नहीं ना जानते, तो पटना में मेन स्टेशन पटना जंक्शन है और ये राजेंद्र नगर टर्मिनल है। तो पहले पटना जंक्शन पड़ता है, ये राजेंद्र नगर उसके बाद पड़ता है, और ये इधर गायघाट से साइड से जाएगा तो ये पहले और उसके बाद में ये पड़ता है। तो फिलहाल अभी ये भी सुनसान ही पड़ा हुआ है, इधर भी लोग नहीं है भाई, पता नहीं कोरोना कब जाएगा, कब ये मास्क हटेगा, कब क्या होगा। पालिका विनायक कैंपस में तो ये हॉस्पिटल था, आपको दिखाते हैं पहले जो काम के लिए आए हैं वो काम करते हैं, उसके बाद से मिलते हैं। यही हॉस्पिटल और डॉक्टर का नाम है डॉक्टर संजीव कुमार ठाकुर, अच्छे डॉक्टर है। अगर किसी को दिखाना, कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, हमको कोई स्पॉन्सर करता नहीं है, ठीक है, अच्छे डॉक्टर है। अगर आपको दिखाना हो तो आइए, आकर दिखा लीजिए। तो अपना काम करते हैं उसके बाद से मिलते हैं। यही डॉक्टर साहब का है, तो आज है 15 अगस्त, ठीक है, और हमको दिमाग में नहीं था ना 15 अगस्त है और हम चले आए, हमको लगा कि ओपन होगा हॉस्पिटल है, तो भाई साहब मतलब मेरा पोपट हो गया ना कि फिर कल आएंगे देखते हैं, कल मतलब दवा लेना तो जरूरी है, दवा भी लेना है, डॉक्टर साहब से मिलना भी है, तो कहना बंद है, पोपट हो गया हमारा। इसके लिए देखते हैं कि कल अगर दवा मिलता है तो कल आते हैं। काफी ज्यादा स्लोप हो भाई, देख लो इतना ज्यादा स्लोप है, मतलब ओ भाई इधर से तो काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज 15 अगस्त है, यहाँ पे हमारे देश का तिरंगा को फहराया गया है। अब देखते हैं कल आते हैं भाई, सोचे हमको पूरा, हमको लगा था क्लिनिक के जब नीचे वाले एक और डॉक्टर साहब उनको खुला, यही हॉस्पिटल है जो देख रहे हैं हमारे पीछे, ये पालिका विनायक हॉस्पिटल, तो इसमें एक और 2 डॉक्टर बैठते हैं, तो हमको जिनसे दिखाना था वही नहीं बैठते हैं, पूरा मूड ऑफ हो गया। तो यहाँ से अब चलते हैं कहीं और चलते हैं, वहाँ पर मिलते हैं। पीछे देख रहे हैं, देखकर पहचान गए होंगे कि पटना जंक्शन आ गए हैं। अब यहाँ से पटना जंक्शन से चलते हैं, प्लान बन गया मोरिया लोक जाने के लिए। अब भाई है फिर दोस्त है, तो प्लान बन गया अब यहाँ से मोरिया लोक चलते हैं। आज मोरिया लोक का फर्स्ट टाइम दिखाते हैं अपने ब्लॉग में, पूजा पार्क है, ठीक है, पूजा पार्क में मतलब अभी तो बंद हो गया है, पर वही है कि मतलब लोग जो देख रहे हैं ना कि कैसे मतलब सामने बैठने वाला है, और आप भी अगर आइएगा ना तो सामने बैठ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ना कि कितना लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग बैठे हुए, पर अभी पार्क बंद है, और कोशिश करते हैं कि कल कोई पार्क में जाए, अगर कल देखते हैं वही पार्क तो खुल रहा है, पर वही बात है कि 11-12 बजे तक खुल रहा है, वही जू वाला हो जाएगा, हम थोड़ा जाने वाने में लेट हो गया तो फिर वो बंद हो जाएगा। तो अभी तो देखते हैं, अभी सोचेगा बुझा पार्क देखे खुला है कि नहीं,
पर अभी नहीं ओपन हुआ है, इधर बैठे हुए लोग पर बैठने का भी टाइम है नहीं, नहीं तो बैठने का टाइम रहता तो कुछ देर बैठ जाए। देखते हैं अगर गांधी मैदान खुला हुआ है ना तो गांधी मैदान में बैठेंगे भी और गांधी मैदान में फोटो वोटो भी शूट करेंगे। मौर्या लोग में आ गए, देखा मौर्या लोग का बिल्डिंग यहाँ पर गेट है, देख लिए ना ये सारा चीज बंद है, मतलब आज 15 अगस्त को सिर्फ खाने वाला चीज ही चालू है। तो हमने भी लिट्टी खा लिया, वहाँ पर बहुत सारे लोग देते इसलिए अनकम्फर्टेबल फील होते तो दिखा देने, ठीक है, नहीं तो आपका भाई ऐसा कुछ है नहीं जो ना दिखा। तो चलते हैं आगे वाला मौर्या लोक में जो इधर है, ये कौशल्या कॉम्प्लेक्स के पास जो था डीके लिट्टी काउंटर वाला, वहाँ से और उसके बाद से हम आगे चलते हैं, दिखाते हैं। जैसे आप पीछे देख रहे हैं इतना मौर्या लोक तो 6 बजे के करीब में ये देखे ही नहीं होंगे खाली। तो आज 15 अगस्त है तो खाने पीने का 15 अगस्त तो चालू है, पर ये क्या बोलते हैं जो शॉप वगैरह है ये सारे बंद है। अब उधर से खाए पिए आराम से, दिखाई नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ था, आकर बैठ गए गांधी मैदान में, देख रहे हैं कि इतना कितना लोग अभी बैठे हुए हैं। अभी शाम के 6:30 हो रहा है, 7 बजने वाला है, तो कुछ ऐसा है मतलब काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिला है। और अभी आप देखिएगा तो इधर जो दिन में का किया गया है, इधर आ भाई किधर गया, देखिए इधर अभी हमारे लगाया गया है जो तिरंगा कलर का है, और उधर भी हम चलते हैं आपको दिखाते हैं कि उधर भी लगाया गया है। हमारे बिहार का मुख्यमंत्री जी आकर यहाँ पे झंडा फहरा रहे होंगे, जो आप वहाँ व्हाइट वाला देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो सामने यहाँ पे, और ये सब देख रहे हैं कि अभी तक लगाया गया है, फ्लैग तो उतार दिया गया है और ये सब अभी तक लगाया गया है, अभी बैरिकेडिंग का भी नहीं हटाया गया है, तो ये सब तक 1-2 दिन मर जाएगा। फिर एक ये सब देख रहे हैं, ये सब भी अभी नहीं हटाया गया है, तो ऐसा कुछ सीन अभी गांधी मैदान का 15 अगस्त का रात में का युद्धयोग भवन, तो वहाँ पे लाइटिंग किया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वही लाइटिंग ना कहीं बिस्कोमान पे किया गया रहता, बिस्कोमान छिप जा रहा है ये पेड़ से, तो और भी अच्छा बिस्कोमान भवन लगता है कि फ्लैग कलर से उसका किया गया रहता। तो ब्लॉग तो कोई खास लंबा बना नहीं, ब्लॉग यही शॉर्ट सा सिंपल बन पाया, और ड्यूरेशन देखे नहीं हमको लगा था कि लंबा हो जाएगा, नहीं तो मौर्या लोग और भी कुछ शूट करते, गांधी मैदान में कुछ और शूट करते तो ब्लॉग लंबा चला जाता। लेकिन कोई नहीं, मिलते हैं एक लॉन्ग वीडियो में अगले संडे को, बहुत अच्छा कमाल का वीडियो, वो भी वीडियो रेडी है पर नेक्स्ट वीक में आएगा। तो इस वीडियो को फाइनली हम यहीं पे एंड करते हैं, और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। और जो भी भाई हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पर आ जाओ भाई और वहाँ भी हमको फॉलो कर लो। और इंस्टाग्राम के साथ साथ एक हर एक वीडियो में हम बोलना प्रमोशन करना भाई भूल जाते हैं, एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, वो हमारा ही चैनल है भाई का है, उसमें मोनेटाइज गेम प्ले ये सब पबजी का जो भी लवर हो भाई मारो उसको, सब्सक्राइब करो उसको, उनके करा दो भाई, ठीक है, उसमें अच्छा अच्छा वीडियो आता है, उसमें हम भी गेम खेल कर डालते हैं, कभी हमारा भी गेम प्ले आएगा जो साथ में खेलेंगे गेम प्ले, तो अच्छी अच्छी बकचोदियाँ होती रहती है, तो भाई मतलब वो सब देखना हो तो मतलब मोस्ट वैल्यूबल चैनल है वो पबजी का, हम लोग अच्छा चैनल है, चिलमार चैनल है, आप मान लो वहाँ पे करोगे आपको भी अच्छा लगेगा, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, और हर एक वीडियो में उसका लिंक है, तो जो ऑडियंस हमसे नया नया कनेक्ट कर रहा है तो भाई वो भी कर लो। जो भाई बोल रहे हैं कि भाई सेकंड हैंड का ये सेकंड हैंड लैपटॉप, सेकंड हैंड कार, ये सब सारा चीज आएगा भाई नेक्स्ट मंथ से, सब कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप सबर कीजिए, बस जाइएगा शॉप पे, मैं प्रमोट करता हूँ, मैं प्रमोट करूंगा, हो सकता है कि मैं जो फोन प्रमोट किया वो फोन बिक गया हो, तो या वो चीज़ बिक गया हो, या वो लैपटॉप कोई भी हो चीज़ बिक गया हो, तो आप जाए शॉप पे जाए और सामान देख के ही ले, कोई भी चीज़ का मैं प्रमोशन करता हूँ, आप जाइए तो ऐसा ना कहीं आप हमारा वीडियो देख कर गए और वो चीज़ निकल गया हो और हम उस चीज़ को वीडियो में अच्छा बोल दिए, तो आप कोई भी शॉप पे जाइए अच्छा देख ले, आप खुद से मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि आप पर्सनली जाइए जाकर देख कर अच्छा लेकर आइए, ठीक है, तो मिलते हैं आपको संडे के रोज एक तड़कते भड़कते कमाल के वीडियो में।